कास्ट रिलीजन पे मुझे मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। कि जब लव हो गया है या शादी करना है तो ये थोड़ी ना कास्ट देख के प्यार करेगा कोई भी। हम लोग के अकॉर्डिंग, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग कास्टिज्म हम लोग ज्यादा मैटर नहीं करेगा। वो अदर कास्ट की है, मैं मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मेरी बहुत सारी फ्रेंड है सब अदर कास्ट की है। बस बॉन्ड अच्छा बनना चाहिए, बस यही मैटर करता है, बॉन्ड मैटर करता है बस बस। इन फ्यूचर अगर आपको शादी करना बोले दूसरे कास्ट में तो हम कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरा जो रिलेशनशिप है वो अलग कास्ट से है। अच्छा। तो हम दोनों का प्लानिंग है कि फ्यूचर में हम दोनों शादी वादी करें। प्यार ही किए तो फिर डरे क्यों, प्यार किया तो डरना क्यों? बस बस वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार और आज मैं पटना जू के अंदर हूँ। यहाँ कुछ लोगों से आइए बात करते हैं कि इनका जातिवाद और धर्म पे क्या भरोसा है। आपको कास्ट रिलीजियस ये सब पे भरोसा है? हाँ जी, कास्ट रिलीजन पे मुझे मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसे होते हैं, सब भाई भाई है आपस में, हिंदू मुस्लिम, उससे मुझे कोई ये नहीं है कि आपको कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है मतलब आज का अगर देखा जाए, मतलब सोच अगर मतलब पिछले तो उन लोग बहुत कास्ट है सबको मानते थे, छुआ छूत हुआ या ये उस जात का, ये नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं मानती। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है वो अदर कास्ट की है, मैं मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मेरी बहुत सारी फ्रेंड है सब अदर कास्ट की है। अच्छा, आप मुस्लिम? जी जी, मैं मुस्लिम हूँ। तो आपको ये सब पे भरोसा नहीं है जैसे मतलब? नहीं नहीं, इन सब चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, कास्ट वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। थैंक यू। आप लोग को जातिवाद पे भरोसा है? हाँ है। और कास्ट ये सब पे? हाँ। इन फ्यूचर अगर आपको शादी करना बोले दूसरे कास्ट में तो हम कर लेंगे आराम से, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, एक्चुअली मेरा जो रिलेशनशिप है वो अलग कास्ट से है। अच्छा। तो हम दोनों का प्लानिंग है कि फ्यूचर में हम दोनों शादी वादी करें, मतलब दूसरे कास्ट? हाँ, वो दूसरे कास्ट की है। तो मतलब ये सही है, मतलब जो जो लोग भरोसा करते हैं? हाँ वो सही है, इसके अगेंस्ट में बोलना मतलब क्या ही दिक्कत है, आप दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हो तो। बट कुछ कुछ लोग का सोच तो रहता है ना कि इस कास्ट में नहीं करना, वो देखिए क्या उनका बॉन्डिंग है उसके हिसाब से करता है। बॉन्ड अच्छा रहा तो कोई भी कर लेगा, बॉन्ड नहीं ठीक रहा तो आज के डेट में तो जान रहे हैं ब्रेकअप। घर के पेरेंट्स मान जाएंगे? घर के पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे, सिचुएशन होगा तो जरूर सब लोग करेंगे। जब भाई बॉन्ड अच्छा बना हुआ है दोनों के बीच में, एकदम बिलीव है या फुल्ली है तो कर सकता है। और क्या, आप लोग फैमिली में है? नहीं बोले, हमारी खुशी मेरी फैमिली की खुशी है ना, मतलब अपना फैमिली क्या सोचता है। बहुत रेयर कंडीशन होता है कि मतलब फैमिली वाले अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं ये दूसरा कास्ट है वो कास्ट है, तो वो उनका थिंकिंग है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट हम लोग का जो जनरेशन है वो चीज़ चेंज करना चाहिए भाई, कास्टिज्म। रिलीजियस के बारे में क्या ख्याल है, हिंदू मुस्लिम ये सब? रिलीजियस का थोड़ा अलग पैटर्न हो जाएगा क्योंकि हमारे गॉड अलग, उनके गॉड अलग, उनका धर्म अपनाना, हमारा धर्म अपनाना, तो वो थोड़ा दिक्कत उनको होगा। अगर वो दोनों ठीक है कि वो दोनों कर सकते हैं तो फिर ठीक है, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अदर पीपल्स को जो कि कमेंट पास करते हैं कि ये क्यों किया वो क्यों किया, उनको नहीं होना चाहिए भाई, वो उनका अपना डिसीजन है। पर सोसाइटी में अभी भी तो इसको लेके है ना, रिलीजियस सोसाइटी का तो हमेशा से रहेगा। अगर हम लोग का जो जनरेशन है आज के डेट में पब्लिक है ना, सिर्फ वो बात फैलाती है, कुछ हो जाए आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करने आएगी। अब कहीं पे आपका कुछ लड़ाई भी या कुछ में मैटर हो गया पब्लिक सिर्फ देखेगी, वीडियो बनाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन एक आजकल का जो थॉट है कि देखो भाई बाहर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये सबसे बोलने का है। समाज तो मैटर करता है ना, सोसाइटी वो करता है उन लोग, लेकिन क्या करेंगे आपके बारे में बताइए। आपका अगर कुछ परेशानी है तो आपको आएंगे हेल्प करने, नहीं आएंगे, बस जो करना है सेल्फ डिपेंड रहिए, बस वही बहुत बढ़िया है। समाज सोसाइटी बेकार हो गया है, सोसाइटी के नाम पर सिर्फ आप पे उंगलियाँ उठाएंगी और ये बोला जाएगी तुम गलत कर रहे हो, भाई तुम प्रॉब्लम में, वो वहाँ पर तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए अच्छा ये होगा जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो, दूसरों के बारे में उतना मत सोचो, अपनी खुशी मैटर। आज के डेट में देखिए कोई भी अगर बंदा निगेटिव करता है तो उसके सोसाइटी में बहुत फैल जाता है उसका बात, और कोई उसी में पॉजिटिवली होता है तो वो उतना नहीं फैलता है बात। हाँ वो तो है कि नेगेटिव जल्दी मतलब फैलता है, पॉजिटिव नहीं जी। बट ये कास्ट ये सबको लेके अभी भी कहीं कहीं रहता है ना कि मतलब कास्ट में भी वो लोग अपना ढूंढता है कि नहीं ये मेरे कास्ट का होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, क्योंकि अलग कास्ट का आएगा तो उसका क्या सोच रहेगा क्या नहीं। ये कास्ट तो ये देखिए जब लव हो गया है या शादी करना है तो ये थोड़ी ना कास्ट देख के प्यार करेगा कोई भी। बस बॉन्ड अच्छा बनना चाहिए, बस यही मैटर करता है, बॉन्ड मैटर करता है बस बस। हाँ बॉन्ड मैटर करता है, और सबसे बॉन्ड ही मैटर करता है, किसके साथ खुश है, किसके साथ मतलब अच्छा टाइम सही बीत रहा है, अच्छा से हो रहा है, ये सब मैटर करता है ना, कास्ट मैटर नहीं करता। हम लोग अकॉर्डिंग, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग कास्टिज्म हम लोग ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ जो न्यू जनरेशन, हाँ हमारे पेरेंट्स का तो थिंकिंग रहेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। बट हम लोग प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना, प्रॉब्लम्स आएंगे वो फेस करेंगे हम लोग, वो हम लोग चेंज करना चाहेंगे कि ये चेंज हो। देखिए जब साथ ही में हम लोग जब प्यार ही किए तो फिर डरे क्यों,
प्यार किया तो डरना बस बस वही है ना। आपको भरोसा है जाति वगैरह पर, मतलब जातिवाद जैसे हुआ ना ऊंच नीच ये सब पे भरोसा तो है, है। हाँ। मतलब आप मानते हैं सब। हाँ। ये जाति वगैरह पे आपको भरोसा है, जातिवाद ये सब पे, मतलब ऊंच नीच ये सब पे? नहीं नहीं भरोसा है। अगर मतलब इन फ्यूचर में आपके बच्चे अलग कास्ट में शादी करते हैं तो आप सहमत हैं? सहमत हैं। तो आपने देखा जब हम यहाँ कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों को विश्वास है कुछ लोगों को नहीं है, जिन लोगों को भरोसा है लेकिन वो शादी नहीं कर सकते धर्म या जाति ये सब पे, लेकिन कुछ लोगों को यही जितने भी हमारे पीछे पीढ़ी हैं उनको हटाते हुए कुछ लोग जातिवाद ये सब पे भरोसा नहीं करते। आगे की खबर के लिए देखते रहे वेब समाचार।